गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का टॉपिक क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 किसने रिलीज की है? और इसका सही आंसर है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21st इशू जो है उसे रिलीज़ किया है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये रिफ्लेक्ट करती है कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑन द रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रेजिलियंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। साथ ही साथ ये रिपोर्ट डिस्कस करती है इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर कौन है? और इसका आंसर है शक्तिकांता दास। कौन है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था, आरबीआई की स्थापना कब हुई? और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी ईस्ट किसे अपॉइंट किया गया है? और इसका सही आंसर है रीवा गांगुली दास। हाल ही में बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास को सेक्रेटरी ईस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपॉइंट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मिसेज रीवा गांगुली दास जो है वो रिप्लेस करेंगी विजय ठाकुर सिंह को उनके रिटायरमेंट के बाद, जो कि 30 सितंबर को होनी है। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेट खिलाड़ी श्रीपाली वीराकोडी ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की खिलाड़ी है? और इसका सही आंसर है श्रीलंका। दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका की बॉलिंग ऑलराउंडर प्लेयर श्रीपाली वीराकोडी ने अपने रिटायरमेंट अनाउंस की है और उन्होंने 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यूट किया था और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और 58 T20 मैचेस। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मुथूट फाइनेंस ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का क्या नाम है? और इसका सही आंसर है रीस्टार्ट इंडिया। हाल ही में केरला बेस्ड NBFC मुथूट फिनकॉर्प ने एक रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल का मेन उद्देश्य जो है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर जो है उसको बिजनेस को रीस्टार्ट कराना ऑल ओवर द कंट्री। साथ ही साथ उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ व्यूमन एंटरप्रेनर्स एंड दिस रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल मेनली फोकस ऑन नैनो एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। मुथूट फिनकॉर्प और INK टॉक्स एक फ्री और ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर एडवाइजरी सपोर्ट और कॉन्स्पेशलाइज्ड किया जाएगा प्रोडक्ट को, यानी
एक खुला मंच है जहां पर सलाहकार सहयोग के लिए हर टाइम अवेलेबल हैं मुथूट फिनकॉर्प और आईएनके टॉक्स के द्वारा। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ऑर्नरी एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया है, और इसका सही आंसर है साहिल सेठ को। हाल ही में साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया है एज अ ऑर्नरी एडवाइज़र ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स ऑफ ब्रिक्स। दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो उसके नाम से ही आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे मेंशन किया है, बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कौन कौन से 6 कंट्रीज़ हैं, सॉरी 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और जो ये साहिल सेठ की जो अपॉइंटमेंट हुई है एज अ ऑर्नरी एडवाइज़र, ये 2020 से 2023 तक हुई है एंड प्रेजेंटली ही इज़ सर्विंग एज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम्स। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, और इसका सही आंसर है प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रीतम सेन गुप्ता को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक नियुक्त किया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे करम शेखर को जिनकी रिटायरमेंट 30 जून 2020 को हुई थी। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड के एमडी किससे अपॉइंट किया गया है, और इसका सही आंसर है नवीन तहिलयानी। दोस्तों हाल ही में नवीन तहिलयानी को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है बाय टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड, और ये रिप्लेस करेंगे ऋषि श्रीवास्तव को। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लैब का उद्घाटन किया है, और इसका सही आंसर है 3 लैब्स का। 27 जुलाई 2020 को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 new high labs का इनॉग्रेशन किया है, और ये जो 3 labs बनाई गई हैं इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया है मुंबई, नोएडा और कोलकाता में। और मेनली ये जो लैब्स बनाई गई हैं ये बनाई गई हैं टू बूस्ट द नेशन COVID-19 टेस्टिंग कैपेसिटीज, यानी अभी COVID-19 पेंडेमिक के चलते जो COVID-19 की टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इन 3 नई लैबों को इंट्रोड्यूस किया गया है। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बड़े ही अच्छे से कर रहे हैं और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को भी लगातार देख रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं हमें उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टिक नहीं होना चाहिए, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करना चाहिए, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि उन सारे पॉइंट्स को कवर करूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। और आप मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।